नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के द्वारा लगातार फोन किया जा रहा है कि क्या 1-5 का परिणाम नहीं आएगा, क्या सरकार क्या करना चाहती है, क्योंकि ये बहाली की प्रक्रिया जो है वो फंसती हुई नज़र आ रही है। देखिए, ऐसी बात नहीं है, जो भी साथी हमारे कोर्ट गए हैं उसका इंतजार तो सरकार या विभाग करेगी कि नहीं करेगी, ये तो समय ही बताएगा। हम सभी अनुमान लगा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। सरकार खुद ही जानती है इस बात को कि बिहार में हमें शिक्षकों की बहाली करना है, क्योंकि गरीब बच्चों को यदि शिक्षा देना है तो शिक्षक बहाली बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शिक्षक है नहीं। तो अभी अभी जो ये न्यूज़ हम सभी के बीच में आ रही है, जो आज का सुनवाई आप सभी के बीच में मैंने रखा था, उसकी महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि 16 अक्टूबर अगला तारीख मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई जो अब होगा वो 16 तारीख को होगा, DLED और BED के मुद्दा पर, कि किसको रखा जाए और किसको बाहर किया जाए। अब आप सभी को इंतज़ार करना ही होगा। आज 13 अक्टूबर है, 3 दिन की बात है, कुछ ना कुछ परिणाम हम सभी के बीच में ज़रूर होगा। तो आप सभी लगातार फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कह रहे थे क्या रिजल्ट प्रभावित होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट प्रभावित होगा। अब सरकार देखिए क्या करती है, विभाग क्या करती है, क्योंकि अब तो रिजल्ट तैयार किया जा रहा है या कर लिया गया है। हम सभी के बीच में कल BPSC के अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है कि हम सभी विषयों का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं और थोड़ा सा धैर्य रखें। और हम सभी के बीच में ये भी खबर आ रही है कि 21 अक्टूबर तक तो किसी भी हालत में रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। अब किसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, BED का या DLED का या दोनों एक साथ, ये तो समय बताएगा। पर आप बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं आप सभी के लिए लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।